ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर दे रखा है ओ ए ओ बी एंड ओ सी, सॉन फिगर, फिगर एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में तीन वेक्टर है हमारे पास, कौन कौन सा, एक ओ ए है, ये ओ ए, एक ओ बी है और एक ओ सी है, सबको दिख रहा है क्लियर, ये ओ बी, ठीक है। अब एक और इंफॉर्मेशन है कि ये एंगल 45, ये एंगल 45, ये दे रखा है। हमसे पूछा गया कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर, इन तीनों वेक्टर का, ओ ए एक वेक्टर हुआ, सबको इनिशियल वेक्टर है, ओ बी, ओ बी एक वेक्टर है और ओ सी एक वेक्टर है, इस तरह से जिसका रेडियस ऑफ सर्कल आर है, इसका रेडियस कितना है आर है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट बताना है, तीनों का रिजल्टेंट। एक मिनट का टाइम देते हैं, बना के दिखाइए फटाफट, एक मिनट मात्र है आपके पास समय। एक मिनट का टाइम है, सब लोग बना के दिखाइए। आज एलिन का हम प्रॉब्लम भेजेंगे, सॉल्व और अनसॉल्व, तो आप लोग ट्राई करिएगा, आसान आसान प्रॉब्लम है। कोमल आवाज आ रही है, कोमल, कोमल का ऑडियो नहीं कनेक्ट हुआ है, कोमल आवाज जा रही है, कोमल रिजॉइन कर लो, आवाज नहीं जा रही कोमल का, चलो ठीक है। क्या आंसर वन होगा, आंसर वन होगा, अच्छा और कुछ बच्चों का वेट करते हैं, और किसी का कुछ आया तो बताओ, कितना है, टू बी, टू, टू बी, टू बी क्या है, टू आर आएगा, अगर आया तो टू आर आएगा, वन, वन आया, वन आया, मतलब आर आया, तो कुछ बच्चों का टू आर आ रहा है, टू आर भी आ रहे हैं किसी किसी का, टू आर भी आ रहे हैं किसी किसी का, हाँ ना वन आर होगा ना टू आर होगा ना रूट टू आर होगा ना आर होगा ना टू आर होगा ना रूट टू आर होगा। अच्छा चलो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन बच्चा से मिल रहा है, एक आर वी टू आर, आप क्या बोले, रूट टू आर, हम एक दे देते हैं जो सही है आर इंटू वन प्लस रूट टू। बताइए, अब बताइए ए बी सी डी में से कौन सा सही है, अब बताओ, देखो आर तुम लोगों ने निकाला गलत है, टू आर भी गलत आया, एक बच्चे रूट टू आर निकाले वो भी गलत हो गया, तो डी ही होगा, वर्षा का डी आया है, क्या वर्षा वर्षा ए वर्षा डी आया तुम्हारा, हाँ तो आया कौन सा आंसर, डी की डी आया तुम्हारा
ऐसा ही कुछ आ रहा है, सही ऐसा ही कुछ आ रहा है। चलो देखो, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी लिख लेना तुम लोग बगल में, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुको, एक कॉल करने दो, बच्चा का क्लास छूट जाएगा। नहीं तो हाँ, तो इसलिए तो बोले ना, एक बार रीज्वाइन करके ऑडियो कनेक्ट करिए, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है, समझे ना, तो रीज्वाइन करके ऑडियो कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। हाँ, रीज्वाइन हो जाइए, रीज्वाइन कर लो। पहली बार में बच्चा सबको दिक्कत तो होगा ही ना। चलो देखो कैसे बनाते हैं। पहले हमने क्या सिखाया, हमने सिखाया था तीन वेक्टर को एक साथ कैसे जोड़ोगे। हाँ, अब कोमल आवाज आ रहा होगा तुम्हारा, जा रहा है वो कोमल, यस और नो? हाँ, वहां पे कोमल अनम्यूट होगा, अनम्यूट करोगे तब बोलना, अभी तुम्हारा म्यूट है, ठीक है। अनम्यूट का बटन होगा, माइक का बटन होगा, दिख रहा है, माइक का बटन होगा। चलो ठीक है, कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछना। अब सुनो ये वाला सवाल, ये क्वेश्चन था, तीन वेक्टर हैं ओ ए, ओ बी और ओ सी, इनको सम करना है। तो देखो तीनों वेक्टर को एक साथ सम करना, थोड़ा दो दो कर को सम करो ना, दो को दो दो करके सम करो। ओ बी को भूल जाते हैं, ओ बी को भूल जाए तो बताओ, पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को भी कर सकते हो तुम, ओ ए ओ बी को भी कर सकते हो, हमें अच्छा लग रहा है कि ओ ए और ओ सी को पहले करते हैं। तो सुनो, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक वेक्टर OA है और एक वेक्टर हमारे पास OC है, इसका वैल्यू R है, इसका वैल्यू R है। आप हमें ये बताओ, ये दोनों वेक्टर 90 पे है ना, तो बताओ इसका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, इधर होगा। सुनना जरा, याद करो जरा, उस दिन हम क्या बताए थे आपको, हम बताए थे कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर किसी भी एंगल पे होंगे तो उसका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच होगा। तो क्या हमें ये डिराइव करना होगा कि ये 45 पे होगा, क्या यही दिन देखने के लिए वो चीज़ सिखाए थे? ना, डिराइव नहीं करेंगे हम, हम बता देंगे सीधा कि जब OA और OC को जोड़ोगे उसका जितना भी रिजल्टेंट होगा ना वो एकदम बीचों बीच होगा, 45 पे होगा। ये हो गया तुम्हारा R और R, और आपको पता है कि R और R को 90 डिग्री पे ऐड करना है। इसका R नेट क्या होगा, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, टू ए बी कॉस 90 जीरो, ये वाला टर्म खत्म, बताए थे ना। तो ये 90 पे दो वेक्टर को ऐसे जोड़ते ना, क्या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा लिखवाओगे हमसे? ना भाई ना, हम नहीं लिखेंगे, अब सिखा चुके हैं ना, तब नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 2 आर। आई बात समझ में? तो जब आपने ओ ए और ओ सी को जोड़ा तो उसका रिजल्टेंट कितना आया, रूट टू आर, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, बोलो यस। तो ये वैल्यू जो है आपको, मान लो इसको हम लोग ओ पी मान लेते हैं, कुछ ओ पी मान लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना आया, रूट टू आर। अब सुनो जरा, ये पहला पार्ट हुआ, ये फर्स्ट पार्ट, पार्ट वन। अब आ जाओ पार्ट टू, सेकेंड पार्ट इसका, ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में तुम्हें ये दोनों मिलके एक वेक्टर मिला है, कौन सा, ये वाला। जब आपने OA और OB को जोड़ा तो आपको सीधा OP मिला, किस वैल्यू का, बोलो, रूट टू आर वैल्यू का मिला। कितने हॉरिजेंटल से किस एंगल पे है जरा बताना, तो हॉरिजेंटल से 45 डिग्री के कौन पे है, बोलो, हॉरिजेंटल से 45 डिग्री के एंगल पे है। अब 45 डिग्री पे एक वेक्टर और आ गया, देखो इसी लाइन पे एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, बताओ, R, बोलो, एक और वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, R है। अब तुम ही बताओ, हमने ये नहीं सिखाया है कि जब दो वेक्टर, एक वेक्टर रूट टू आर, जब दो वेक्टर मान लो ए और बी, ए और बी जब सेम लाइन में हो तो उसके बीच का एंगल कितना होता है, जीरो डिग्री। तो जीरो डिग्री पे सीधा वेक्टर को अल्जेब्रिक सम नहीं कर देते हैं, सीधा ए प्लस बी नहीं कर देते हैं। इस केस में क्या आया था, मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के बराबर आया था कि नहीं आया था,
हाँ, अगर आपको नहीं दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा निकालो, बोलो ए स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू तुम्हें पता है, बी का वैल्यू पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा करो, या हमारी कही भी बातों को याद रखो। हमने कहा था दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल जीरो होगा, एंगल जीरो होगा तो सीधा क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड का अलजेब्रिक सम कर देना है। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है आर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, नेट रिजल्टेंट, नेट जो रिजल्टेंट आएगा रूट टू आर प्लस आर, देखो आया रूट टू आर, और आर कॉमन ले लोगे तो वन प्लस रूट टू आएगा, वन प्लस रूट टू आएगा। कहानी समझ में आई, बोलो वर्षा, वर्षा देखो मेरी आवाज नहीं जा रही है यार, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करो। अब यही बता, देखो ऐसे में वीडियो ऑफ कर रखे हो और वीडियो ऑफ कर रखे हो तो देख रही हो कि सोए हो, कुछ पता नहीं चल रहा है। एक दिन बोल रहे हैं कि सब लोग वीडियो ऑन रखोगे तो समझ में नहीं आ रहा है, लाज लगता है, कुंजी का लाज लगता है, भगवान जाने बकलोल। बताओ ये वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आया वैष्णवी, रिस्पॉन्ड जल्दी किया करो, अगर सुनाई नहीं दे रहा तो कम से कम मैसेज कर दो, अगर ऑडियो तुम्हारा नहीं आ रहा है यस और नो, चलो मिटाते हैं क्योंकि फिर नहीं समझ में आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है छाप लिया रे, सॉल्यूशन छापा अच्छे से है ऑप्शन के साथ, छाप लिया ना, उसको भेजना है ऑप्शन, तो वही एक तो जो तुम लोग गलत बताया तीन आदमी और एक हम सही बताए। चलिए आगे बढ़े, तो चीज़ों को समझिए छोरा, ऐसे ऑल ऑल करने से फ़ायदा नहीं होगा। अब आते हैं मिटाई से, चलो इसको बोले थे मैंने साबुन से धो देना तो नहीं होगा, घर ले जाने वक्त लेते जाना तो घर में साबुन से धो देना उसको, थोड़ा अच्छे से सूखने दे देना फिर लेते आना शाम में। आइए अब हम लोग करेंगे कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, इसको समझिए, वैसे आपको ये पता है फिर भी हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे से फिर समझाएंगे। ठीक है लगाइए हेडिंग कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है मीटिंग एंड हो जाएगा तो सब लोगों को रिज्वाइन कर लेना है, पता है ना, मीटिंग एंड होगा तो रिज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि 10 मिनट बाद मीटिंग एंड होगा, दो बार आपको हो सकता है मीटिंग ज्वाइन करना पड़े, कर लीजिएगा। कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, एक बार सुनो, याद है जब हम लोगों ने पॉलीगॉन लॉ आपको बताया था, याद होगा आपको पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ में हमने क्या बताया था याद है, पॉलीगॉन लॉ में एक चीज बताई थी कि अगर पहले वेक्टर, सुनो ढेर सारा वेक्टर है, ये ढेर सारा वेक्टर इस तरह से ऐड हो रहा हो कि ठीक है, कि जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 और मान लो एक वेक्टर और है 6 वेक्टर है, इस तरह से ऐड हो कि पहले वेक्टर का हेड, सॉरी पहले वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के टेल से कंसाइड कर जाए, अगर इस केस में रिजल्टेंट, सॉरी पहले वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर की, ये लाइन कॉपी में लिखा हुआ है पॉलीगॉन में, हमने नोट करके लिखवाया हमें याद है, पीछे देखिएगा आप लोग नहीं लिखा है, जीरो केस में रिजल्टेंट जीरो, हाँ तो तुम नहीं था तो कोई बात नहीं, लिखा है वैष्णवी ये पॉइंट लिखा है ना, जीरो वाला केस पॉलीगॉन लॉ में, पल्लवी अच्छा पल्लवी थे आप क्या लिखाए हैं, क्या ये वाला लाइन लिखा है ना पॉलीगॉन वाले में, वर्षा तुम लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, लिखा है ये वाला लाइन कि अगर अगर
पहले वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर, ये वेक्टर रिजल्टेंट नहीं है, लास्ट वेक्टर के हेड से कंसाइड कर जा रहा है, इस केस में इसका रिजल्टेंट जीरो होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने लिखाया है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे और मैटर को समझेंगे और यहाँ से खूबसूरत तरीका निकल के आएगा जिसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, बढ़िया सा मेथड आएगा। एक लाइन लिख लो इसमें, पहले एक लाइन लिखो, इफ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, इफ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग, नोट्स किसी को नहीं करना है, हम बता रहे हैं, इफ थ्री वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, एक्टिंग ऑन अ पॉइंट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, बाय थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल और नहीं बता रहे हैं, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, टेकन इन द सेम ऑर्डर। अब देखो ये सेम ऑर्डर का मतलब हमने आपको अलग से लिखाया था, नहीं लिखाया था तो समझाया जरूर था, सेम ऑर्डर का मतलब होता है एक का हेड दूसरे का टेल, दूसरे का टेल तीसरे का, सॉरी दूसरे का हेड तीसरे का टेल, इस ऑर्डर को सेम ऑर्डर कहते हैं। सेम ऑर्डर का मतलब होता है एक का हेड पहले का हेड दूसरे का टेल, दूसरे का हेड तीसरे का टेल, तीसरे का हेड चौथे का टेल, दिस ऑर्डर इज नोन एज सेम ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड हो ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। ठीक है, कोमा देयर रिजल्टेंट इज जीरो, देयर रिजल्टेंट इज जीरो। समझाते हैं एक बार, समझो इसको, हमने क्या करना है, तीन, देखो ये कंडीशन है, देखो ढेर सारा, देखो पॉलीगॉन में क्या है कि ढेर सारा, लेकिन कंडीशन फॉर जीरो रिलेटेड, अभी हम लोग जो कंसेप्ट बनाने वाले हैं ये कंसेप्ट आपको तीन आर्म से रिलेटेड है, तीन वेक्टर से रिलेटेड है। अभी जो कंसेप्ट हम बनाने वाले हैं वो ट्रायंगल के तीन साइड पे बेस्ड होगा, तीन आर्म से रिलेटेड होगा, इसीलिए हमने तीन ही आर्म को लिया है। वैसे पॉलीगॉन में हमने ये बता रखा है कि आप उसको कनेक्ट करोगे ना, कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, ढेर सारा कनेक्ट वेक्टर को कनेक्ट करो और पहले वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के हेड से मिल जाए तो उस केस में रिजल्टेंट जीरो होता है, ये पॉलीगॉन कहता है हमें। हम लोगों ने पॉलीगॉन में ट्रायंगल वाली बात को लिया है और ट्रायंगल वाली बात को समझा के फिर एक नया तरीका बताएंगे सुंदर साहब को। ठीक है, हमने मान लो एक वेक्टर लिया, इसको ऐसे समझो, दैट इज डायग्राम से, जैसे मान लो हमने एक वेक्टर लिया ए, समझना, ठीक है, एक वेक्टर हमने लिया, देखो स्टार्ट किए, सेम ऑर्डर रखना है, ध्यान दो बाबू यहाँ पे, सेम ऑर्डर मतलब पहला वेक्टर का टेल यहाँ पे है और हेड यहाँ पे है, तो दूसरा वेक्टर बताओ स्टार्ट कहाँ से होगा, हेड से स्टार्ट होगा ना, यानी दूसरे वेक्टर का टेल इस वेक्टर के हेड से मिला होना चाहिए। तो मान लो हमने एक वेक्टर और लिया जिसका नाम मान लो बी था, क्या ये सेम ऑर्डर में कनेक्ट है, मच्छर मत मारो, क्या ये सेम ऑर्डर में कनेक्ट है, यस कनेक्ट है, क्यों, क्योंकि पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन है, ऑर्डर सेम है। अब ट्रायंगल में तीन साइड लेने हैं हमें, तो एक और साइड लेना है हमें, एक साइड इस तरह से लो, ये देखो, अब तीसरे वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ा है और देखो तीसरे वेक्टर, मान लो ये वेक्टर सी है, इस वेक्टर का हेड पहले वेक्टर के टेल से जुड़ा है, तो बता पॉलीगॉन वाला भी कंसेप्ट है ना, रिजल्टेंट जीरो होगा, इसको प्रूफ भी कर देंगे, चिंता मत करो, इस केस में क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो, ये स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ भी कर देंगे, चिंता मत करो, ये स्टेटमेंट है, समझ गए बात को। डायग्राम नोट करो,
ऐसा ही डायग्राम बनाना, और डायग्राम तो कैसे भी बना सकते हो, जानबूझ के ऐसा डायग्राम बनाए क्योंकि इस डायग्राम का हम लोग यूज करेंगे। बोलो ये स्टेटमेंट समझ में आया, किसी को इस स्टेटमेंट में दिक्कत तो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं है। एक बार स्टेटमेंट हम रिपीट कर देते हैं। स्टेटमेंट ये है कि अगर तीन वेक्टर इस तरह से ज्वाइन हो सेम ऑर्डर में ताकि वो तीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करे, लेकिन तीनों सेम ऑर्डर में कनेक्टेड हो। लॉ ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन याद है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये है कि ट्रायंगल के तीन साइड में से दो साइड किसी वेक्टर को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करे, और तीसरा कोई एक थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर में होता है वो रिजल्टेंट होता है। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने स्टेटमेंट इसलिए लिखाया है आप समझना, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं है, ये एक तरह से पॉलीगॉन है, ठीक है। घूम फिर के ये एक ही जगह पे हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे जीरो हो गया, फाइनल और इनिशियल पोजिशन कंसाइड कर जाएगा तो रिजल्टेंट जीरो होगा। ये हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा है इस पे। अब देखो इससे कंसेप्ट क्या निकल के आएगा ये सीखते हैं। स्टेटमेंट समझ में आया? मिटाएं इसे। इसको ना हम थोड़ा साइड का नाम दे देते हैं, ओ पी क्यू, ये साइड का नाम दे दिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या है तुम्हें, हमने साइन रूल बताया है, साइन रूल मतलब प्रूफ नहीं किए हैं लेकिन बताया तो जरूर है साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि तीन वेक्टर के साथ अगर आपको एंगल पता हो तो उसके रेशियो पता चल जाएंगे। यस और नो? बिल्कुल पता चल जाएगा, है ना। उसको हम लोग आगे लेमिस थ्योरम में यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए वाई ओ पी, कहाँ पे आवाज आ रही है? इधर से आवाज आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, आ जाओ। दिस सब्जेक्ट इज सेट टू बी डिक्लेयर। सुनना, इसी चीज को ऐसे समझो, जैसे मान लो यहां पे एक ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है, समझो बात को, एक ऑब्जेक्ट है ठीक है। अब लगेगा 5 मिनट टाइम, फिर हाँ बोलो क्या है। फिगर से कोई मतलब नहीं है, सीधा ही बनता है, लेकिन थोड़ा 2 मिनट वेट करोगे बता देंगे। इस तरह का सवाल इसको भी था, अभी क्वेश्चन नहीं करवाएं इस तरह का, इसलिए नहीं बना, वो सम से नहीं होता, प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट लगता है, बता देंगे अभी, ये बता देंगे। मीटिंग रिज्वाइन, 1 मिनट बस, कुछ बच्चे आ रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, जो आएगा आएगा। चलिए अब देखो सुना, ये तभी पॉसिबल है, ये वो सिचुएशन समझना, ये कह
स्टेटमेंट समझा रहे, जैसे ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कोई इधर खींच रहा है, ठीक है, आई बात समझ में, समझना, कोई इस ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है, इसको पैरेलल शिफ्ट करते हैं, कोई इसको इधर खींच रहा है और कोई इसे इधर खींच रहा है। देखो क्या ये वही डायग्राम है, सुनना जरा, समझो समझो, हमने कहा कि ये वो सिचुएशन, जैसे इस वेक्टर को पैरेलली ऐसे शिफ्ट तो कर सकते हैं ना, जरा देखो तो ये ए और ये बी और ये सी, देखो जरा नहीं दिख रहा है ना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसको हमने यहाँ पैरेलल शिफ्ट किया, इसको हमने यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट किया, ये सिचुएशन है। देखो ये हर केस में बराबर, हर केस में हम ये बता रहे हैं कि ये हमेशा जीरो नहीं होगा, ये हमेशा जीरो नहीं होगा, ये कब जीरो होगा वो हम बता रहे हैं। एक तो पहला सिचुएशन ये हुआ कि ट्रायंगल का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, पहली चीजें। अब दूसरी बात की क्या होती है कि जब इस ट्रायंगल का, ध्यान से सुनना बाबू, दो कंडीशन है इस केस में रिजल्टेंट जीरो होने के। पहला कंडीशन कि ट्रायंगल का अरेंजमेंट, ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं, जो तीन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, कंडीशन नंबर पहला। दूसरा कंडीशन इसका रिजल्टेंट देखो हमेशा जीरो होगा, जैसे ये बताओ ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, ये ब्लॉक एक केस ऐसा होगा जिसमें ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मान लो इधर चला गया, ये मान लो इधर चला गया, या मान लो इधर चला गया, ऐसा तो हो सकता है। क्या ये हमेशा रेस्ट में होगा ना, उसके लिए कंडीशन है। तो क्या इसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होगा ना, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन पहला कि सेम ऑर्डर में हो, तीनों साइड सेम ऑर्डर में हो। दूसरा कंडीशन ये है कि वेक्टर ए, दूसरा कंडीशन ये है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जितना है, सुनना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही ये ए का मैग्नीट्यूड है, हाँ साइड्स सेम दे आर रिप्रेजेंट कर पी उतना तो सी साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेंडिंग इन ऑर्डर पी क्यू हाँ उतना ही ओ पी होना चाहिए, ओ पी। दूसरा केस व्हेन, उसके बाद बी है, बी बाय पी क्यू। और तीसरा ये क्या है, ओ सॉरी सी सी बाय, यहीं से आपका लेमिस थ्योरम बनेगा, ओ क्यू या जो भी। सुनो ये तभी पॉसिबल है जब ट्रायंगल के ये, देखो ये क्या है ट्रायंगल का साइड्स और ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये तभी पॉसिबल है कि जब हम लोग कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाएं जिस ट्रायंगल का जिस ट्रायंगल में वेक्टर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका साइड, उसका लेंथ का रेशियो। सुनो देखो, जैसे मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया, सुनो हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसका लेंथ मान लो इस ट्रायंगल का साइड का 5 सेंटीमीटर है, इसका मान लो 6 सेंटीमीटर है और इसका मान लो 3 सेंटीमीटर है, और इस पे हम एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो 2 सेंटीमीटर का। मैटर समझना, ये ट्रायंगल हमने बनाया, इस ट्रायंगल जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है, इस 5 सेंटीमीटर साइड पे हम एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 2 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का ये वाला साइड जिसका 6 सेंटीमीटर है, मान लो इस ट्रायंगल पर हम एक वेक्टर बी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड मान लो 3 सेंटीमीटर है। तो इस केस में तुम बताओ ट्रायंगल का और मान लो, बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है इसलिए हम थोड़ा आराम आराम से बताना चाहते हैं, एकदम चीजों को तोड़ तोड़ के, ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजन तुम्हारे अंदर ना रहे इस बात को लेके कि ये आखिर स्टेटमेंट क्या है। तो जैसे ही देखो बाबू अच्छे समझना, नहीं समझ में आएगा तो एकदम बिल्कुल बोलना है तुम्हें। ये मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, चलो पी क्यू आर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओ पी क्यू, ठीक है, इसका मान लो 10 6 4 मान लो 10
6, 4। सुनना, दिख रहा है सबको? बिल्कुल। हमने एक ऐसा ट्रेंगल बनाया ओ पी क्यू, हमने एक ट्रेंगल बनाया, म्यूट कर लो, किसका अनम्यूट है, म्यूट करो। हमने एक ट्रेंगल बनाया ओ पी क्यू जिसमें इस ट्रेंगल के साइड्स का लेंथ 10 सेंटीमीटर, 6 यूनिट और मान लो 4 यूनिट है, ठीक है। हम इस साइड पे, ट्रेंगल के इस साइड पे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिसका नाम मान लो ए है, इसका वैल्यू मान लो 5 यूनिट है। अब सुनना, मान लो हमने इस साइड के अलोंग एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है जिसका मान लो 3 यूनिट है, एक वेक्टर बी है जिसका वैल्यू मान लो 3 यूनिट है, और हम इस साइड पे किसका अनम्यूट है, समझ में तुमको नहीं आता है, दिखता नहीं है अनम्यूट कौन है? अनीसा, देखा करो, और इस पे मान लो हम एक वेक्टर सी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड मान लो 2 यूनिट है। जब ऐसा ट्रेंगल बनेगा, अब देखो इसमें खास बात क्या है, खास बात यह है कि ये 5 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय 10 इस ट्रेंगल के साइड का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी जिस ट्रेंगल के साइड पे है उसका रेशियो का, या वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और सी के साइड का मैग्नीट्यूड, सी के साइड का मैग्नीट्यूड कितना है, सी का 2 और 4। जब ऐसा ट्रेंगल बनेगा तभी रिजल्टेंट 0 होगा। हमने क्या कहा, हमेशा तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा ये तब। अब बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, 5 सेंटीमीटर का साइड लिए और 5 सेंटीमीटर वेक्टर तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल होगा बाबू, देखो 5 बाय 5, 3 बाय 3 और 2 बाय 2, तब भी तो रेशियो सेम है ना, तब भी रेशियो सेम है ना। इस केस में रिजल्टेंट 0 होगा। ये समझ आया, हम जो यहां पे ये लाइन लिखे हैं ये समझ में आया। मैक्सिमम केस में हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर का लेंथ वही रखते हैं, मतलब साइड ट्रेंगल, अगर ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसका लेंथ वही रखते हैं जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन यहां पे हम दूसरी चीजें बता रहे हैं आपको, ट्रेंगल लॉ नहीं बता रहे हैं। आई बात समझ में? अगर बराबर हो तब भी तो होगा, जैसे मान लो इधर 10 न्यूटन है, इधर 10 न्यूटन है, इधर 10 न्यूटन है, समझो, इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, ये रेस्ट में रहेगा। आई बात समझ में? तब तो रेस्ट में रहेगा ही, ऐसे बोलो, मैटर समझ में आया पल्लवी, वैष्णवी, ये वाला मैटर, वर्षा, परितोष भी है, हर्ष कुमार, हर्ष नहीं, हाँ, ये भी कह सकते हो, सुनो, हाँ ये भी कह सकते हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक ट्रेंगल है ओ पी क्यू और मान लो आप वेक्टर का जो है, मान लो है ये वेक्टर का साइड है इस पे, ये वेक्टर का साइड इस पे है और ये वेक्टर का साइड इस पे है ना। तो मान लो इस, ये वेक्टर मिला के कुछ ऐसा ट्रेंगल बनाए, कैसा, हाँ मान लो ये वेक्टर एक बना, ये वेक्टर का मान लो ये है, वेक्टर का साइड मिला के मान लो ऐसा कुछ बना, ये मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, यस, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला के हमने एक ट्रेंगल बनाया। तो जब ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल सिमिलर होगा तब रिजल्टेंट 0 होगा, दूसरे शब्दों में इसे कहते हैं। आई बात समझ में? इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, वेरी गुड, हाँ कह सकते हैं आप इसे। तो ये वाला अभी नहीं बनाना है, हमने समझाने के लिए किया था। तो आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट के बाद आपको लिखना है देन, देन करके लिखना। अगर रिजल्टेंट 0 होगा तो ये कंडीशन होगा। हमने क्या कहा, सुनो, हमने कहा कि रिजल्टेंट 0 होगा इसका मतलब ये कंडीशन होगा, कौन कौन सा, देन ए बाय ओ पी इज इक्वल टू बी बाय पी क्यू बाय सी बाय ओ क्यू। हमने कहा अगर रिजल्टेंट 0 होगा तो ये कंडीशन होगा, और हम समझा क्या रहे थे कि रिजल्टेंट 0 तब होगा जब ये कंडीशन होगा, दोनों एक ही बात है।
रिजल्टेंट जीरो होगा, ये कंडीशन होगा, या ये कंडीशन हो जाएगा तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि रिजल्टेंट हमेशा जीरो नहीं होता है। एक तो अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए, दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए तो रिजल्टेंट जीरो होगा। मैटर समझ गए, ध्यान करके नोट करो इसे। ट्रायंगल का नाम सही से, हाँ, साइड एक ट्रायंगल वाला साइड और जो वेक्टर बनेगा, वेक्टर जो मिलके एक ट्रायंगल बनेगा उसके साइड का रेशियो, क्रॉसबॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। ये वही चीज बता रहे हैं ना। हाँ, अब देखो इसका फील क्या है, फील तुम्हें देते हैं। पहले इसको छापो, छापे ये वाला। अब देखो इसी चीज को तुम्हें फील करवाते हैं, मिटा इसे। अब देखो इसका फील, वही सेम ऑब्जेक्ट वाला, अभी फिर से वही चीज बता रहे हैं। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को तुम इधर 10 न्यूटन के साथ खींचो, समझना, एंगल वाला भी मैटर, इसमें एंगल भी स्पेसिफाई है, कोई भी एंगल पे खींचोगे गड़बड़ होगा। एंगल अभी अगला टर्म हमारा एंगल वाला होगा, और इसको इधर 10 न्यूटन के साथ खींचो और इसको इधर 10 न्यूटन के साथ खींचो, 10 न्यूटन के साथ खींचो। अगर तुम इसको ट्रायंगल बनाना चाहोगे तो इसको कैसे ट्रायंगल बनाए, देखो सेम ऑर्डर में अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखो, इस सिचुएशन को अगर सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये मान लो 10 न्यूटन है। अब देखो इसके हेड से इसके टेल को मिलाना है तो इसको ऐसे मिलाएंगे, पैरेलल वाला सीट सिस्टम। अब इसको यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा, तो बताओ हमने जो अभी स्टेटमेंट कहा वो ट्रायंगल बना, ये यही सिचुएशन है जिसका 10, 10 और 10 है। आई बात समझ में? इस केस में ये ऑब्जेक्ट नेट फोर्स जीरो फील करेगा, इस केस में ये ऑब्जेक्ट नेट फोर्स जीरो फील करेगा जब ऐसा होगा। अब बोलो कैसे सर, ये एंगल कोई भी है? नहीं, कोई नहीं, 120 है ये, छोड़ो 120 वाली कहानी अभी जस्ट हम बताएंगे आपको। देखो ये क्या होता है कि ये 10 इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये 10 थोड़ा इसको इधर ले जाना चाहेगा। देखो होता क्या है कि मान लो इस ऑब्जेक्ट पे तुम अगर ऐसे फोर्स लगाओगे ना, ऐसे मान लो फोर्स लगाओगे तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर भी जाएगा और थोड़ा ऊपर भी जाएगा, समझ रहे बात को, ये थोड़ा इधर भी जाएगा थोड़ा ऊपर भी जाता है। ये मान लो यहाँ गया, ऐसे फोर्स लगाओ तो ये यहाँ गया ना, तो देखो ना ये थोड़ा इधर भी गया, इतना इधर गया और इतना ऊपर गया ना, तो यहाँ पे क्या हो, ये वही बात हुई कि इधर थोड़ा जाता है, इधर थोड़ा मतलब आधा इधर चला जाता है, आधा इधर चला जाता है, इधर इसका 5 इधर गया और इसका भी 5 इधर गया, तो बोलो इसका टोटल 10 इधर गया, यानी 10 से ऊपर धक्का दे रहे हैं इसे और 10 से इसे नीचे खींच रहे हैं। बताइए ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, किधरों नहीं जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। तो ये कहानी है इसकी, इसी से कंसेप्ट बना जिसका लेमिस थ्योरम हम लोग कहेंगे, या उसको हम लोग इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लगा देते हैं, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। कहानी समझ में आई? ये था इसका फील, ऐसा इसलिए होता है, स्पेशल केस है ये, हमेशा नहीं होगा, स्पेशल केस है। तो लिख लेना लास्ट में नोट करके, इन दिस सिचुएशन जिस ऑब्जेक्ट पे इस तरह से वेक्टर काम करेगा, एक्ट करेगा, इन दिस सिचुएशन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। इस केस में ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब किसी ऑब्जेक्ट पे इस तरह से फोर्स एक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, ना घूमेगा ना दौड़ेगा, कुछ नहीं करेगा। समझ पाए बात को? कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट समझ पाए? बढ़िया। अब इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट बनता है जिसको लेमिस थ्योरम कहते हैं, लिखा देते हैं, फॉर्मेलिटी है लेमिस थ्योरम। बेटा इसे फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है? टाइम कितना हुआ? मिनट रिकॉर्डिंग का 39 मिनट हुआ है। चलो लगाइए अगला हेडिंग, लेमिस थ्योरम। अगला हेडिंग होगा लेमिस, LAMI, लेमिस थ्योरम।
ये वही साइन रूल है। स्टेटमेंट लिखा देते हैं इसका, लिखो, इट स्टेट्स दैट इफ स्टेट दैट इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग, तीन फोर्स के लिए अप्लीकेबल है ये, इफ या ऐसे फोर्सेस, ढेर सारे फोर्सेस लगेंगे और उन सारे फोर्सेस को तुम तीन फोर्स में कन्वर्ट कर दो, एक ही बात है। इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल, देन ईच, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैकेनिक्स में बहुत हेल्प करने वाला है आपका ये, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दी साइन ऑफ एंगल बिटवीन the other two forces, इसको समझाते हैं, स्टेटमेंट को डायग्राम से समझाते हैं। ये कह रहा है कि किसी एक पॉइंट पे, ये मान लो कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे तीन फोर्स ऐसे लग रहा हो, इस तरह से एक्ट करे कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो। पिछला वाला केस आपको पता है कि कब इक्विलिब्रियम में होगा। ये कह रहा है कि तीन फोर्सेस मान लो इस ऑब्जेक्ट पे इस तरह से एक्ट हो रहा हो कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, तो उस सिचुएशन का डायग्राम बना ले हम लोग। ये कुछ ऐसा दिखता था, याद है आपको, ये कुछ ऐसा दिखता था। इस केस में ये इक्विलिब्रियम में होता था, कुछ ऐसा ड्राइंग बनता था। तो हमने माना कि ये इक्विलिब्रियम वाला केस है, हमने मान लिया कि ये इक्विलिब्रियम वाला केस है, ठीक है। बोलो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। अब लेमिस थ्योरम ये कहता है कि अगर ये पॉइंट या ये ऑब्जेक्ट तीन फोर्स के लगने से इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसके बीच जो एक फोर्स, जो फोर एक फोर्स है, ये मान लो फोर्स है F1, F2, F3, क्या फोर्स कर दें, लो F1, F2 और ये मान लो F3, तीन फोर्स। अब कह रहा है कि देन ईच फोर्स, हर फोर्स प्रोपोर्शनल होगा इसके अदर दो फोर्सेस के बीच के जो एंगल होंगे उसके। मतलब ये हुआ कि जो आपका ये पहला वाला फोर्स है, दैट इज पहला वाला फोर्स F1, किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल मतलब किसके साइड, देखो ये F1 है, F1 के अपोजिट वाला एंगल देखो, ये किस, ये वाला एंगल मान लो, ये एंगल है आपका अल्फा बीटा गामा, ये मान लो अल्फा है और मान लो कोई भी, ये मान लो बीटा है और ये मान लो गामा है, ठीक है। तो F1 फोर्स प्रोपोर्शनल होगा बचे दो फोर्स के बीच के एंगल का, तो एंगल के साइन का, तो ये होगा साइन अल्फा, पकड़ रहे हैं, बोलो। अब बताओ F2 के नीचे क्या लिखेंगे, साइन अल्फा होगा, साइन बीटा होगा कि साइन गामा होगा, बरसा बोलो, F2 के नीचे साइन बीटा होगा और F3 के नीचे क्या हो जाएगा पल्लवी, साइन गामा,
ये होता है लेमिस थ्योरम। डायग्राम के साथ इसे नोट करो मनीष, डायग्राम के साथ इसे नोट करो। आई बात समझ में? बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। अभी एक खूबसूरत प्रॉब्लम बनाएंगे तुमसे, बनवाएंगे इस पे बेस्ड, और बढ़िया एबीडी वेडीडी में ये हमें हेल्प करता है वेक्टर का, हमें वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट वेक्टर का ये वाला, जिसे मैकेनिक्स बहुत अच्छा होता है, मतलब मैकेनिक्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये। कभी कभी देख लेना, ये एक ऐसा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से लगाने के मतलब जब इस कंसेप्ट पे सवाल बनेगा तो सिर्फ इसी कंसेप्ट को लगाने से बनेगा, ये है अच्छी बात इसकी। मतलब अगर उस सवाल तुम्हें ये नहीं पता कि उस सवाल में लेमिस थ्योरम लगाएगा, नाक रगड़ के मर जाओगे, वो सवाल तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। और लेमिस थ्योरम कंडीशन इस कंडीशन में लगता है, तो लेमिस थ्योरम का देखो ये तुम्हें हो सकता है याद रहो, लेकिन तुम्हें अप्लीकेशन पता होना चाहिए कि लेमिस थ्योरम कब अप्लीकेबल है, जब इक्विलिब्रियम में होगा। अब सुनो, या जब ऐसा हो जाए, या जब ऐसा हो जाए तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। मान लो हमारे पास ये सिचुएशन फुलफिल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, तो इस टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं, ये कंडीशन फुलफिल करवाते हैं, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। अभी करवाएंगे एक सवाल। तो इस तरह से हमने कंडीशन सीखा कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब कब होगा, उसी कंडीशन को दो तीन लाइन में नोट करके आगे लिखा देते हैं। बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। लेमिस थ्योरम के ये सब वही एक तरह से देखो ना, ये साइन रूल है, ये देखो दिखाई, ये साइन रूल है कि नहीं है, देखना चाहोगे? है, देखो देखो, अरे देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, ये है F1, इसको ऐसे करेंगे, ये है F2 और ये है F3। ट्रेंगल के तीन साइड हैं, मतलब एंगल नहीं पता, एंगल देखो पता। अब बताओ F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा? F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है? गामा। बोलो, F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है? बोलो रे, F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है? F3 पहला। यहां पे देखो ना, F1 और F2 के बीच का कितना एंगल है? गामा। आए बाबू, अरे भाई एंगल तो वेक्टर का ये लेते हैं ना, ओ सॉरी ये गामा नहीं है, गामा तो ये है, F1 F2 के बीच का ये टेल से टेल, ये गामा है। तो ये कितना होगा? 180 माइनस गामा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ 180 माइनस गामा। उसी तरह से F2 और F3, F2 और F3 के बीच का एंगल कितना है? अल्फा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। बोलो, हाँ। और F3 और F1, F3 और F1 के बीच का एंगल बीटा है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा। चलो साइन लगाते हैं, साइन कहता है F1 बाय इसका अपोजिट एंगल क्या है? साइन 180 माइनस अल्फा होना चाहिए, ये नहीं कहता है साइन? बोलो, साइन रूल ये नहीं कहता है? उसके बाद ये कहता है कि F2, F2 बाय इसका अपोजिट एंगल साइन, साइन 180 माइनस बीटा होना चाहिए, और F3, सॉरी F3 बाय, F3 बाय 180 माइनस गामा साइन होना चाहिए। और तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो बताओ F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा, F3 बाय साइन गामा। प्रूफ, ये रहा तुम्हारा प्रूफ, समझ पाए? बस यही बात है। तो चलो, लगाइए हेडिंग कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमने सीखा है कंडीशन फॉर, इसे याद रखना है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। वैसे कुछ लोग इसे मैकेनिक्स में पढ़ाते हैं, यहाँ पे वेक्टर टर्म था इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ा दिया, ठीक है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहला केस, देयर इज नो लिनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, there is no linear motion of the object, of the object। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि resultant force zero हो,
फॉलो द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज द एफ नेट, दैट इज एफ नेट इज जीरो। और हमने ये सीखा था ना कि नेट, अगर भाई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को तुम इधर खींच रहे हो, तुम इधर खींच रहे हो, ये इसका लीनियर मोशन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। रेस्ट में कब? फोर्स लगने के बावजूद भी रेस्ट में, इसका मतलब इसमें नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा। आई बात समझ में? तो पहला केस हमने यही सीखा था कि जब नेट फोर्स जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। बोलो दूसरा। देखो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लीनियर मोशन नहीं हुआ, मतलब मान लो ये लीनियर मोशन नहीं किया लेकिन एक ही पॉइंट पे घूम घूम रहा है, एक ही पॉइंट पे घूम रहा है, तो क्या आप इसे इक्विलिब्रियम में कहोगे? जैसे एक फोर्स लगा और ये फोर्स इसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे घूम गया, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रहा? नहीं, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इसे बिल्कुल किसी भी टाइप का मोशन नहीं, इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। ये मोशन ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन ना हो, मतलब नेट फोर्स जीरो हो। दूसरा, रोटेशनल मोशन ना हो, मतलब नेट टर्क जीरो हो। टर्क हम लोग पढ़ेंगे, टर्क पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन भी उसके पास ना हो तभी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। लिख लो अगला, देयर इज नो रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट। तुम लोगों को लिखना नहीं है, चिंता मत करो, कोमल लिखो मत, लिखने पे जोर मत दो, नोट्स हम भेजेंगे अभी। कोई भी जो जितने भी लाइव क्लास कर रहे हैं कोई लिखोगे नहीं, समझने पे ध्यान दो। इसका मतलब होता है दैट इज, देखो टर्क को ऐसे सिंबॉल कर, ये टाव कहते हैं इसको, टर्क को टाव, तो टाव नेट क्या हो? जीरो हो। ये क्या होता है हम लोग बाद में बात करेंगे, चिंता मत करो, वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, नेट टर्क जीरो हो, ठीक है। और एक लाइन लिखा देते हैं, इसको बाद में समझाएंगे, बस थोड़ा सा फील दे देंगे इसका हम आपको, ठीक है, कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में जब होता है, सुनो ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जैसे मान लो तीर धनुष की बात करें, तीर धनुष को जब तुम, वो जो रस्सी होती है उसको जब तुम खींचते हो तो वो रस्सी में तनाव आता है, टेंशन आता है, एक तो टेंशन आता है, दूसरा उसको जब खींचते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। अगर मान लो तुम इसे यहाँ पे छोड़ दोगे तो क्या ये यहीं पे रुकेगा? चला जाएगा, ऐसे 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 करता है, मतलब इसके पास ये स्टेबल, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। और मान लो जैसे धनुष के साथ रस्सी लगी हुई है, ये वाली रस्सी लगी हुई है, इसको तुमने डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसे लगी हुई है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? यस। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो, मतलब मिनिमम जीरो, ऐसे यहाँ पे जीरो है लेकिन इसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जितनी इसकी हो सकती थी मिनिमम उतनी है। तो ये बहुत ही सुंदर कंसेप्ट बनता है, बहुत जगह यूज होता है, जहाँ जहाँ यूज होगा हम आपको बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम मतलब जीरो भी आप मान के चल सकते हैं। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट गेन कर लेगा वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है उसको हम लोग कहते पोटेंशियल एनर्जी, MGH। हाँ, पोटेंशियल होता है, एनर्जी होता है स्टोर्ड एनर्जी। और हमेशा अगर मान लो हम जैसे चले गए 3 महला बिल्डिंग पे और वहां पे खड़े हैं तो क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी? हम तो रेस्ट में हैं। पोटेंशियल एनर्जी का अलग अलग सेंस होता है, हमेशा MGH वाला ही बात नहीं होता, स्टोर्ड एनर्जी तुम में कितनी पोटेंशियल है। जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे अंदर कुछ स्टोर्ड एनर्जी होगी, जैसे स्प्रिंग को खींच दिए, खींच के रखे उसको रेस्ट में है, लेकिन उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का अलग अलग सेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जिसमें एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये सब हम पढ़ाएंगे आपको, अलग अलग केसेस करवाएंगे। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है।
स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर मान लो तुमने उसे वहां से छोड़ दिया फिर वो वापस वहीं पे आ जाएगा अपनी। और ये जो छोड़ो, आपने केमिस्ट्री में कंसेप्ट पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉरी कोई भी इलेक्ट्रॉन या एटम वहां पे रहना ज्यादा पसंद करता है जहां पे उसके पास एनर्जी मिनिमम हो। सुना होगा ये वाला लाइन, शायद एनर्जी मिनिमम वाला स्टेट में रहना चाहता है ना। और ये सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब वहाँ पे उसकी एनर्जी मिनिमम हो, एनर्जी मिनिमम से मिनिमम वो खर्च करे। एक और लाइन लिख लो, तीसरा लाइन छोड़ो, ये सब कंसेप्ट हम लोग डिटेल्स में करने वाले हैं इसलिए इस पे नहीं, बस आया तो इसलिए बता दिए। लिख लो तीसरा पॉइंट, देयर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को ज़्यादा सीरियस मत लेना, हम लोग अलग से इसके डिस्कस करने ही वाले हैं, इसको करेंगे डिस्कस, चिंता मत करो, ठीक है। अब आते हैं इसका एक खूबसूरत क्वेश्चन, इसका करेंगे हम एक अच्छा प्रॉब्लम। क्वेश्चन करें जिससे डायरेक्ट आप लेमी थ्योरम यूज करके सवाल को बना पाए। ये प्रॉब्लम आपको फिर से देखने को मिलेगा, एस सी वर्मा में देखने को मिलेगा आपको, आपको मैकेनिक्स में भी अच्छा जब टेंशन का सवाल वाल करेंगे तो देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, एस सी वर्मा में तो है ही। मिठाई से क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन पहले नोट करवा देते हैं। अ रोप इज स्ट्रेच्ड बिटवीन, बहुत सुंदर क्वेश्चन लिखो, अ रोप इज, इसे एफबीडी लगा के भी लोग बनाते हैं, अ रोप इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पोल्स अ 50 न्यूटन बाय अ 50 न्यूटन बाय हैंग, लटक गया, फांसी नहीं ऐसे लटका है, बाय हैंग्स फ्रॉम इट, ठीक है। फाइंड द टेंशन एज ऑन इन फिगर, अभी फिगर दे देते हैं बाद में नहीं देंगे, एज ऑन इन फिगर फाइंड द टेंशन इन द, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द टू पार्ट्स ऑफ द रोप, इन द टू पार्ट्स ऑफ द रोप। अब देखो क्वेश्चन को ड्रॉ कर देते हैं, क्वेश्चन मत लिखो, ड्राइंग से समझ लो। फिगर में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है दिया हुआ, ड्राइंग समझो पहले। दो पोल है, क्वेश्चन को ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि बोल रहा है एस ऑन इन फिगर। दो पोल है और बोलोगे सर पोल टेढ़ा खड़ा है कि सीधा खड़ा है, भाई पोल की बात कर रहे तो सीधा ही खड़ा होगा अगर कुछ ना कह रहा है। अगर टेढ़ा खड़ा करना होता तो वो पहले ही टेढ़ा के बारे में कुछ कह देता, नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब वर्टिकल पोल है, समझ गए। हाँ, ऐसा देखा है बिजली का पोल एकदम से हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ बिजली का खंभा होता है, नहीं नहीं वर्टिकल पोल है। अब इससे एक रस्सी बंधी हुई है, समझा, इससे एक स्ट्रेच्ड मतलब पूरा तन के जितनी तनी हुई मैक्सिमम होनी चाहिए थी, जैसे पोल में वायरिंग करते हैं ना तो वो मान लो वायरिंग किया हुआ यहाँ से यहाँ तक, समझो। इसके बाद एक लड़का को मन किया झूला झूलने का तो बीच में वो लटक गया, रस्सी को पकड़ा और लटक गया। तो इमेजिन करो कि मान लो दो पोल के साथ रस्सी बंधी हुई है, बीच में लड़का लटक गया तो लटक जाएगा तो क्या रस्सी सीधी ही रहेगी कि रस्सी झुक जाएगी, ऐसे रस्सी होगी नहीं होगी बोलो,
रस्सी वेट लटकेगा, कोशिश करना घर में रस्सी टांग के लटकने का, मजबूत थोड़ा मजबूत रस्सी लेना। अब पोल ऐसा नहीं कि घर में टट्टी में बांध दी, इस टट्टी से उस टट्टी में, अब बीच में लटक गए लटक जाओगे फिर। बढ़िया मजबूत रस्सी होनी चाहिए, पोल भी मजबूत होना चाहिए, तब लटकोगे। अब मान लो ये लटक गया, ये तो लटकने के बाद क्या होगा, 50 न्यूटन का वेट था, हल्का बच्चा था, छोटा सा बच्चा था 50 न्यूटन वाला, ठीक है 50 न्यूटन मतलब 10 किलो का बच्चा शायद लटका होगा, 5 किलो का बच्चा लटका था ना, 50 न्यूटन वेट हुआ उसका। तो अब ये लटकेगा तो मान लो रस्सी ना थोड़ी झुक जाएगी, है ना, तो रस्सी कुछ ऐसी हो जाएगी। अब बोलोगे सर रस्सी ऐसी होगी, भाई गोल वाला सिचुएशन नहीं लगा रहे हम, रस्सी ऐसी नहीं होगी, ध्यान से देखोगे तो रस्सी ऐसी गोल नहीं घूमती है, कुछ रस्सी इधर तन जाएगी ये वाली पार्ट, और इधर से कुछ रस्सी तन जाएगी। अब बोलोगे सर ये बीच में होगा, भाई बीच में होगा बगल में होगा हमें थोड़े पता, हमें तो बस ये पता है कि बच्चा यहाँ पे लटका हुआ है ना, कैसा लगा तुम लोग को तो नहीं दिख रहा होगा, कोशिश किए हैं एक 5 किलो का लड़का को लटकाने का, लटक गया है ना, देखो लटका हुआ है दिख रहा है पल्लवी, ड्राइंग अच्छा है मेरा, वाह वाह कमाल हो गया। हाँ सब लोग अपना अपना नाम लिख लेना, अच्छा इसका फोटो भेज देंगे स्क्रीनशॉट, एक लड़का लटका हुआ है दिखाते हैं तुम, अब दिखा ड्राइंग मेरा देखो, मतलब पोलियो मारा हुआ लड़का कमजोर है लड़का नहीं है, मुंडी भगवान ने छोटा दिया इसको अच्छा से कोई बात नहीं, ये कितना है 50 न्यूटन का लटका हुआ है। अब देखो कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उस इन्फॉर्मेशन का हेल्प लेते हैं। जैसे ये बोला कि ये रस्सी जो, इसलिए बोले एस सोनी फिगर, मतलब ये एंगल एंगल दे रखा है, ये एंगल 30 डिग्री, बोलेगा सर बराबर बराबर एंगल है, ना भाई ना, जरूरी नहीं कि बराबर है, ये है 15 डिग्री, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है तुम्हारा, आई बात समझ में, बोलो ये 15 डिग्री और ये, और इसका जो वेट है ये वेट कितना है 50 न्यूटन का। अब सुनो जरा, चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, अब सुनो जरा, अब बताओ इस रस्सी में टेंशन क्रिएट होगी, इस रस्सी में भी तनाव क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट होगी, इस रस्सी में भी टेंशन क्रिएट होगी, दोनों में बराबर टेंशन होगी, ये जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बराबर तब होती जब ये बीच में लटका होता। ओहो है ना, एंगल अलग अलग दिया है इससे ये स्पष्ट है ये बीच में नहीं है, हाँ एंगल अगर 30 देता तो बीच में होता, ये गिवन इन्फॉर्मेशन था, ये गिवन इन्फॉर्मेशन था, बस इसके बाद छुट्टी करेंगे क्या डॉक्टर, इसका टेंशन निकाल पाओगे, कितना आया बताओ, तुम चाहो तो FBD लगा के भी कर सकते हो, FBD से भी सेम सवाल बनेगा, क्या तुम ट्राई करोगे, एंगल उंगल का वैल्यू चाहिए क्या, ये देंगे आए, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो तुम्हारे मन में 2-3 सवाल आना चाहिए था कि सर ये क्या ये बीच में लटकेगा तो बीच में रस्सी नहीं होगी, बीच में रस्सी होती कि नहीं होती ये हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं,
क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है कि ये एंगल 30 है, ये 15 है, इसका मतलब पक्का बीच में रस्सी नहीं है, रस्सी मतलब लड़का बीच में नहीं लटका है। आई बात समझ में? लड़का बीच में नहीं लटका है, समझे? क्यों, कैसे पता चला सर? ऐसे पता चला कि ये 30 और ये 15 है। अगर अगर हाँ अगर एंगल सेम होता ना, अगर एंगल सेम होता तो फिर हम लोग ये कह सकते थे कि लड़का बीच में लटका हुआ है। अभी अगर ये 30 और ये 30 होता तो, अगर लड़का बीच में लटका होता तो रस्सी में टेंशन सेम होता, अगर लड़का बीच में लटका होता तो रस्सी में टेंशन भी सेम होता। कोई बात नहीं, कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये कहानी है, आते हैं कहानी को सॉल्व करते हैं। इसका थोड़ा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो, ये एक रस्सी थी सीधी वाली, अब ये रस्सी झुक के ऐसी हो गई है। सुनना जरा, ये रस्सी झुक के कुछ ऐसी हो गई है, है ना? और ये लड़का लटका हुआ है, तो लड़के की जरूरत थोड़ी है हमें, लड़के का वेट से मतलब है, तो लड़का का वेट एक फोर्स है, तो फोर्स मान लो यहां से लटका हुआ है, ये लड़का का वेट है। बोलो कोई दिक्कत? सीधा फोर्स लगा दिए, इस पॉइंट पे काम हो रहा है जहां पे लड़का लटका हुआ है, इस पॉइंट पे काम हो रहा है। बताओ टेंशन यहां जो क्रिएट होगा वो उसका डायरेक्शन इधर होगा, अवे फ्रॉम दी पॉइंट होता है टेंशन का, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का। यहां पे मान लो टेंशन T1 क्रिएट हुआ, इसमें मान लेते हैं टेंशन T2 क्रिएट हुआ। अब देखो तीन फोर्स हो गया W T1 T2, एंगल पता चल जाए तो तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं पता चलेगा। क्या लेमी थ्योरम वाला डायग्राम थोड़ा बहुत फील हो रहा है कि ये लेमी थ्योरम का डायग्राम बना है? बोलो। हाँ, तो इस एंगल को अल्फा मान लो, इस एंगल को बीटा मान लो, और इस एंगल को गामा मान लो, जो तुम्हें मानना है मान लो। अब बोलोगे सर अल्फा बीटा गामा कौन देगा? देगा, बिल्कुल देगा। सुनो बाबू, कौन देगा? ये एंगल 30 है और ये एंगल 15 है। सुनना बाबू, ये एंगल 30 और ये 15, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा? हाँ, तो अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 30 प्लस 15, तो कितना? 135 होगा क्या? 135, अल्फा 135 आ गया। अब सुनो, अल्फा 135 है, बीटा बताओ जरा, कोई बीटा बता पाओगे? बोलो बोलो बोलो, नहीं बता पाओगे बीटा ना? हे रे बीटा नहीं बता पाएगा। सुनो, बीटा पता चल जाएगा कि 120 है, उससे बीटा पता चल जाएगा। इक्वेट करके ऐसे भी निकाल लेंगे ना हम लोग फिगर से। तीस और 90 और 30, बेटा बता दे, बेटा बताते हैं। सुनो, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो बताओ ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? 90 होगा, यस और नो? यहां से एक सीधा लाइन, ये एंगल 90 होगा, और बताओ ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये पैरेलल, ये एंगल 30 और ये एंगल 30, इसका मतलब ये 30 और ये 90 मिलके कितना बनेगा बेटा? नहीं समझा? फिर से सुनाते हैं। सुनो, हम ये कह रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जैसे ये एंगल है, ये लाइन है ये वाला, और यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ये वाला, और ये एंगल है तुम्हारा 30 डिग्री, तो बताओ ये एंगल 30 होगा कि नहीं होगा? बोलो। और ये एंगल 90 है, तो बताओ ये टोटल एंगल कितना होगा? 90 प्लस 30 नहीं होगा? और यही टोटल एंगल का नाम तो बीटा है, आया उससे भी बीसा आ गया 90 प्लस। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा जरा बोलना? बीटा 90 प्लस 30 बराबर 120। अब बताओ अल्फा बीटा आ गया, गामा कितना होगा? 360 में से माइनस कर लो क्योंकि, हाँ, तो गामा क्या होगा? गामा हो जाएगा 360 माइनस 120 प्लस 135, कितना होगा बरसा? कितना होगा? 105 डिग्री। तो देखो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पता चल गया। छापा यहाँ तक रे, ऐसे छापना जैसे हम छाप रहे हैं, इस ड्राइंग की कोई जरूरत नहीं है, मिटाएं इसे। अब लगा दो, हमें T1 T2 का वैल्यू चाहिए, पता करना है T1 T2 को प्लस करना है, लगाए? चलो
वैल्यू वैल्यू हम बता देंगे, चिंता मत करो कि साइन 150 120 135 का क्या वैल्यू आता है, चिंता मत करो। अब है यूजिंग लेमीज थ्योरम, यूजिंग लेमीज थ्योरम क्या होगा बोलो, बताओ। W बाय बोलो कोई, W बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू T1 बाय साइन बीटा, बोलो, इक्वल टू T2 बाय साइन गामा, बोलो, कोई दिक्कत? लेमीज थ्योरम लगा दिए, सेट हुआ लेमीज थ्योरम। फिर से देखो, W ये फोर्स का नाम W है, W बाय साइन अल्फा, T1 ये फोर्स T1 है, T1 बाय साइन बीटा, T2 बाय साइन गामा, लेमीज थ्योरम सही लग गया है, वेरी गुड। अब फटाफट हमें क्या चाहिए, देखो W पता है, साइन अल्फा पता है, T1 निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। इससे T1 क्या होगा, T1 अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो T1 क्या होगा, W साइन बीटा बाय साइन अल्फा। अब बोलो साइन बीटा का, W का वैल्यू 50 न्यूटन दे रखा है, साइन बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री बाय साइन अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 135 डिग्री। अब ये वैल्यू कौन बताएगा, तो तुम्हें हम बताएंगे, हम, ये गिवन होगा, साइन 120 का वैल्यू होता है कितना, साइन 120 का वैल्यू होता है कितना, पक्का ना, हाँ साइन 120 या साइन 60, आओ 180 माइनस थीटा लगा दो ना बाबू, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120 के जगह पे 60, मतलब √3/2। अब साइन 135 यानी कि साइन 45 का वैल्यू जो होगा, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ये वैल्यू देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सॉल्व करोगे कितना आएगा ये बताओ, बोलो बोलो कितना आएगा ये, 25√6, कितना न्यूटन आएगा। चलो T1 कैलकुलेट किया, छापो T1, ऐसे ही स्टेप्स छापना क्योंकि कैलकुलेशन बताना पड़ेगा बच्चों को ना। अब T2 निकालते हैं, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो T2 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन के साथ जगह तो है, T2 इसको इसके साथ कंपेयर, क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन है, तो T2 इक्वल टू वेट साइन गामा बाय साइन अल्फा। तो बताओ वेट का 50, साइन गामा, गामा का वैल्यू कितना है 105 बाय 105 डिग्री, साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, साइन अल्फा का वैल्यू 135, वेरी गुड। तो बताओ 50 साइन 105 का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस 105 कितना होता है, 75 होता है ना, साइन 75 बार कितना होगा, साइन 75 का वैल्यू 1/√2, गड़बड़ है, साइन 105 मतलब साइन 75 प्लस 90 प्लस 35, गड़बड़ हो गया ना, कितना हर्ष कुमार तुमको पता है साइन 75 का वैल्यू या साइन 105 का, रुको, हर्ष कुमार बोलो साइन 105 का वैल्यू बोलो, तो हर्ष कुमार 2√2 ये होता है, सही लिखे ना, वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू का चिंता मत करो, हाँ तो ठीक है ये हो गया। और साइन 135 का तो वैल्यू बताया है कितना, 1/√2, इसको सॉल्व करोगे तो हर्ष कुमार क्या आएगा, √2 से √2 खत्म हो जाएगा, होगा ना, ये 25 हो जाएगा तो क्या होगा, 25√3 + 1 न्यूटन आएगा। बताओ T2 आ गया, T1 आ गया, हमें क्या फाइंड करना था, नेट टेंशन इन स्ट्रिंग ना, कि अलग, अच्छा इस पार्ट में आ गया, तो मैं T2 भी आ गया, T1 भी आ गया। चलो साइन 105 का वैल्यू ये होता है √3 + 1/√2, वैल्यू दिया रहेगा चिंता मत करो, वैल्यू गिवन होगा, चिंता मत लो, समझ में आया लेमीज थ्योरम को यूज कैसे करना है। बोलिए कितना टाइम रिकॉर्डिंग हुआ, बोलो, हाँ लेमीज थ्योरम यूज कैसे करना है समझ पाए,
अगर लेमिस थ्योरम कैसे यूज करना है समझ पाए तो एक सवाल होमवर्क दे देते हैं, तुम लोग लेमिस थ्योरम पे करके रखना, देखते हैं तुम लोग का टैलेंट। वैसे तो बन जाएगा फिर भी क्वेश्चन दें, लेमिस थ्योरम के हेल्प से बनाना है, ऐसे तो नॉर्मल बन जाएगा लेकिन लेमिस थ्योरम के हेल्प से बनाना है। मिटाएं से ठीक है, इसमें वैल्यू वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें दे देते हैं, वो सब भी दे देंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन लिखो, अबाव वेइंग 50 ग्राम, होमवर्क क्वेश्चन है ये। अ बॉब मतलब एक गोला है पार्टिकल, अ बॉब वेइंग 50 ग्राम हैंग वर्टिकली एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ 20 ग्राम फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली बाय हाउ मच डिस्टेंस द बॉब इज पुल्ड long, चिंता मत करो, ये नोट्स में भी तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, अभी भी जाएगा नोट्स। डिस्टेंस ऑफ द बॉब इज पुल्ड असाइड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन when it reaches in equilibrium position। क्वेश्चन ये पूछ रहा है when it reaches in equilibrium position, मतलब कहाँ पे वो position बताना है, कहाँ पे distance related टाइम। drawing नहीं देंगे, drawing देंगे तो सवाल तुम लोग बना ही लेगा, इसको तुम्हें draw करना है, ड्राइंग नहीं देंगे। ड्राइंग बनाएंगे हम तो तुम लोग ऐसे ही बना ही लोगे खट सा, इसका ड्राइंग ही इंपॉर्टेंट है मेनली। इसको ड्रॉ करोगे, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। अबाव वेइंग 50 ग्राम हैंग्स वर्टिकली एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है जिसके टॉप पे गेंद बॉब लटकी हुई है जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है। इफ 20 ग्राम फोर्स इज अप्लाइड, अब इस बॉब पे ये जो बॉब लटकी हुई है उसको 20 ग्राम पे फोर्स लगा दिए, देखो हिंट भी कर रहे हैं, एक रस्सी से 50 ग्राम का बॉब लटका हुआ है, 20 ग्राम का फोर्स अप्लाई कर दिए, आई बात समझ में। हॉरिजॉन्टली फोर्स कैसा लगाना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है, 20 ग्राम का फोर्स इस बॉब पे हॉरिजॉन्टल लगाना है, तो ये बॉब ऐसे जाएगा, रस्सी बंधी हुई है ऐसे स्विंग करेगा, सिंपल पेंडुलम वाला डायग्राम। हाउ मच डिस्टेंस बॉब इज पुल्ड असाइड फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, अब यहाँ से देखो यहाँ पे एक बॉब है, यहाँ पे एक बॉब है, इस बॉब पे फोर्स लगेगा तो ये कुछ क्या होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जहां पे जाने के बाद ये वापस फिर से वापस आ जाए, मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कितना ये वर्टिकल इनिशियल पोजीशन फ्रॉम रिचेज इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब यहां से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इतना ज्यादा हिंट नहीं देंगे हम, ठीक है। तो ये हुआ लेमिस थ्योरम का एप्लीकेशन, और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, कोशिश करेंगे हम आज क्वेश्चन कुछ भेजने का, आप लोग क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करिएगा, एलिन का कुछ सॉल्व एग्जांपल हम भेजेंगे आपको, उसको सब लोग बना लेना है किसी भी हालत में, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ हाँ 20 ग्राम फोर्स अप्लाइड ऑन दी बॉब, ये रस्सी है ना बाबू, इस रस्सी पे यहाँ पे बॉब लटकी हुई है, इस बॉब पे 20 ग्राम का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है, मुक्का मारना है 20 ग्राम के फोर्स के साथ, तो इस बॉब को 20 ग्राम के फोर्स के साथ मुक्का मारोगे तो बॉब ऐसे स्विंग करेगा ना, समझा हर्ष कुमार, 20 ग्राम, अच्छा 20 ग्राम फोर्स नहीं समझ में तुम्हें आता, आ हा हा 20 ग्राम फोर्स का मतलब क्या होता है, ये तो हम नहीं बताएंगे 20 ग्राम फोर्स का क्या मतलब होता है, 20 ग्राम फोर्स को न्यूटन या डाइन में कन्वर्ट करो, हमें नहीं पता,
200 न्यूटन मुहे फुला देंगे, 200 न्यूटन होगा 20 ग्राम फोर्स बेसरम कहीं का, कुछ बोलता है 200 न्यूटन होगा, कितना होगा 0.2 न्यूटन शायद, जो भी होगा छोड़ो, वो कन्वर्ट करना तुम्हारा होमवर्क है, ये 0.2 होगा हाँ, लेकिन कैसे होगा वो तुम लोग जानो, हम बता देंगे चिंता मत करो, इसको तुम लोग ट्राई करना। चलो 20 ग्राम फोर्स 0.2 न्यूटन है, इससे हेल्प ले लेना, ठीक है। कैसे 0.2 न्यूटन हुआ ये हम बता देंगे, अभी तक का क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट पूछना है वो? नहीं तो चलिए कल मिलते हैं फिर नए सवालों के साथ, कोशिश करेंगे कि कल का क्लास सिर्फ प्रॉब्लम क्लास हो इस टॉपिक पे। अभी तक हम मेरे दिमाग में यही है, देखो अगर प्रॉब्लम हमको अच्छा अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम मिला अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी बेसिस पे, तो कल प्रॉब्लम होगा, नहीं तो फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये मल्टीप्लीकेशन का। अभी तुम लोगों से पूरा सवाल नहीं बनेगा, इसलिए पूरा सवाल जितना हम कहते बनाने के लिए बस उतना ही बनाओ, जितना हम भेजते हैं उसी में ट्राई करना है, पूरा सवाल हम जब बोलेंगे बनाने के लिए तब बनाना, ठीक है। चलिए छुट्टी, ठीक है, ओके टाटा बाय बाय सब लोग। हाँ क्लास सब लोग रेगुलर आया करिए, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रह जाते हैं, वीडियो टेलीग्राम।